we will discuss the next topic in antibiotic drug. Next classification. Classification antibiotics two type classified into two types. First one is beta lactam antibiotic जिसमें beta lactam जो रिंग है वो present होती है, फिर हम बोल देते हैं beta lactam antibiotics. जो हमारे compounds हैं, drugs हैं, जिनमें beta lactam रिंग present होगी, उनको हम beta lactam antibiotics बोल देंगे. Second है हमारे पास non beta lactam antibiotics, जिसमें हमारे पास नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारे पास जो बीटा लैक्टम रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. फर्स्ट वन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है उसमें हम लोग फर्स्ट इसके जो कंपाउंड्स है, जो हमारे पास कंपाउंड्स है इसमें, इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन है बेंजाइपेंसिन, बेंजाथीन, पेंसिन, कार्बेरिसिन हो गया, क्लोक्सिसिन हो गया, एंड एम्पिसिलिन इसकी एग्जाम्पल्स है. इसकी फर्दर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें आगे डिटेल में हम अदर बुक्स में से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सिफेलोथ्रीन हो गया, या फिर हमारे फिनोमिथाइल प्रोक्सरपेंसिलिन हो गई, हमारी इसी में जो इंक्लूडेड एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड है नॉन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है उसमें फर्स्ट वन हमारी कैटेगरी आ गई एंटीबायोटिक कंटेनिंग हेट्रो नेफ्थलीन रिंग, जो जिसमें हमारी जो नेफ्थलीन रिंग है वो प्रेजेंट होते हैं जिन एंटीबायोटिक्स में कंपाउंड्स में, उनको हम लोग बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग हाइड्रो नेफ्थलीन रिंग. उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ गए टेट्रासाइक्लिन, उसमें जो एक एक कंपाउंड है हमारा जो उसमें इंक्लूडेड होता है वो है हमारा टेट्रासाइक्लिन. सेकेंड वन इज अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो जिससे ऑब्टेन होते हैं जो मेडिसिन, उनमें हमारे एग्जाम्पल्स आ गए स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन. ये हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कंपाउंड्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं. थर्ड वन है हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, जो मैक्रोलाइड हमारा एंटीबायोटिक्स है उसकी जो एग्जाम्पल है वो है एरिथ्रोमाइसिन. मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में एक ही कंपाउंड है जो हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, इसमें वो है एरिथ्रोमाइसिन. नेक्स्ट वन जैसे हमें एरिथ्रोमाइसिन हमें पता है जब ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो डॉक्टर्स है वो एरिथ्रोमाइसिन हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स है उसमें उसकी कैटेगरी उसमें हमारे पास उसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है एनासामाइसिन में जो हमारे पास ड्रग है रिफैम्पसिन, जो रिफैम्पसिन है उसको अदर भी हम जो अदर नेम है वो हम ऐसे भी लिख देते हैं रिफामाइसिन. जो रिफैम्पसिन है वो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज करते हैं एज एंटीबायोटिक, और जो हम लोग इसमें जो एनासामाइसिन है उस कंपाउंड से हमें ये ऑब्टेन होता है, इसका नाम रिफैम्पसिन एंड रिफामाइसिन. नेक्स्ट वन इज पॉलीइन एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, इसको पॉलीइन मैक्रोलाइड जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स भी बोल देते हैं हम लोग, या फिर हम लोग इसे जो है इजी फॉर्म में अगर याद करें तो हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं पॉलीइन एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, जो एंटीफंगल की जो फंगस के ट्रीटमेंट में भी हमारी यूज होती है एज अ एंटीबायोटिक्स. वो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, निस्टेटिन, हेमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये हमारी ड्रग है जो हम लोग एज अ एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, जिसमें एंथ्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एम्फो एक्टिनोमाइसिन डी एंड डोनोरूबियम, जो हमारे रूबिसिन, ये हमारे अदर जो है वो ड्रग है. नेक्स्ट वन जो हमारे पास जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, पेप्टाइड रिंग प्रेजेंट होती है, वो है हमारे पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, वो है बेसिट्रेसिन. नेक्स्ट वन स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक्स, जो स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक के फॉर्म में हमारे हम लोग यूज करते हैं उनकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास फ्यूसिडिक एसिड. एंड नेक्स्ट वन है न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक्स, जो न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक्स है उसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो प्यूरोमाइसिन, या प्यूरोमाइसिन जो हमारी ड्रग है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है अदर जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिनमें प्रेजेंट होते हैं
होती है। अदर हेट्रोसाइक्लिक क्रीम कंटेनिंग जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारे, उनमें हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो आ जाते हैं मिथोमाइसिन एंड साइक्लोसरीन, जो हमारे ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो हमारे इसके बाद जो क्लासिफिकेशन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसके। ये सारे हमारे नॉन ब्रिटल एक्टम के पार्ट्स हैं, इसमें 11 जो हमारे पास पार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। अब जो नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स है उसमें जो एग्जांपल्स आ जाते हैं वो है हमारे ग्रीसियम फेलबिन। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन बीटा लैक्टम रिंग है उसमें जो नेक्स्ट 11th जो पॉइंट है वो है हमारी जो कैटेगरी है वो है नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। और नॉन क्लासिफाइड जो एंटीबायोटिक्स है उनमें हमारी एग्जांपल्स आ गई ग्रीसियोफिलबिन एंड क्लोरमफेनिकोल। हमारे पास दो टाइप्स है बीटा लैक्टम नॉन बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में एग्जांपल्स है हमारे पास और नॉन बीटा लैक्टम को हमने सब डिवाइड किया है 11 कैटेगरीज में, वो हमने सारी जो है अभी डिस्कस की है। नेक्स्ट वन हम जो है डिस्कस करेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब जो हमारे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स है उनका हर एक का जो अलग अलग नेम है उनका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जिस जो है हमारा नोमेनक्लेचर ये जो ड्रग का नाम है ये यहाँ पर
लिया है न्यूयॉर्क में, उसके नाम पर इसका नाम ड्रग का पड़ा निस्टेटिन। इसके जो इसको हमने प्रोड्यूस किया था न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ लेबोरेटरी। नाम रख दिया।
नैनसिंग जो नैनीमाइसिन है, ये एक नैनीमाइसिन का ड्रग का नाम एक सेप्ट्री थी, उसके नाम था नैनसिंग। उस सेप्ट्री के नाम के अकॉर्डिंग हमने जो ड्रग का वो नाम रखा है वो था नैनीमाइसिन। बैसिट्रेसिन जो उस डिजीज के पेशेंट थे, ठीक है, वो जो पेशेंट था ट्रेसी, पेशेंट का जो नेम था वो है ट्रेसी, उसके अकॉर्डिंग हमने उस जो है ड्रग का नाम रखा था बैसिट्रेसिन। एटामाइसिन जो ड्रग थी, जो हमने कल्चर नंबर यूज किया था 8, ये जो ड्रग है वो कल्चर नंबर 8 में प्रेजेंट होंगे उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसी के नाम पे हमने जो ड्रग का नाम भी रख दिया एटामाइसिन। अब सम इसमें जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट क्यों, हमने जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने ये जो रूल्स क्रिएट किए थे कुछ, अगर हम ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स क्रिएट किए थे जिससे हमें जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता लग सके, वो हम रूल्स डिस्कस करेंगे। केमिकल सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनने की जो है सोसाइटी ने कुछ रूल्स क्रिएट किए थे, क्योंकि जो हमने नॉर्मल कल्चर के अकॉर्डिंग पहले नाम दिए थे पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जो मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने नाम दिए थे, उनमें कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी। इसलिए उन कन्फ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए इस सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए थे। उसमें रूल्स क्या क्या था, फर्स्ट वन है इफ द केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन, इस रूल में क्या था कि उन्होंने कहा था कि इफ द केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन द नेम शुड बी बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हमें जो केमिकल स्ट्रक्चर पता है कि हमें ये पता है कि ये मिडाजोल की स्ट्रक्चर है, ये पाइरोजिन की स्ट्रक्चर है, क्यूनीन की स्ट्रक्चर है, या फिर ये हमारे पास जो है आइसोप्रोपाइल की स्ट्रक्चर है, पी अमाइनोसैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है, डेप्सोन की स्ट्रक्चर है, अगर हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो हम जो नाम है उसका, जो नेम है वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नाम हम लिख देंगे, उसके जो केमिकल्स के जो केमिकल उसमें बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिखेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है अननोन है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इसमें कौन सा जो है कंपाउंड है, कौन सा हमारे पास जो इसमें रिंग प्रेजेंट है, अगर हमें किसी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बिल्कुल नहीं, नॉन नहीं है, हम लोग अननोन है, उसके बारे में हमें कोई भी जो है वो आइडिया नहीं है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, नई स्ट्रक्चर होगी अगर समटाइम, तो हमें उसका जो नाम है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम उसका नाम लिखने के लिए यूज करेंगे द जर्म्स कैन बी यूज एट रूट। जो जर्म्स है हम लोगों ने
उसमें यूज करेंगे उसको नाम लिखने के लिए. फर्स्ट वन है द सफिक्स फिक्स और प्रीफिक्स. हम लोगों ने जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था कि फिक्स कौन से होते हैं, प्रीफिक्स कौन से होते हैं. जैसे जो हमने फर्स्ट चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो फिक्स है और जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो हमने उसमें कैसे यूज करने हैं, वो आप उस चैप्टर में से देख सकते हो फर्स्ट में. इसमें क्या था सफिक्स, जैसे माइसिन है किसी जर्म्स है उसमें जो माइसिन नाम है तो हम वो नाम उसके पीछे रख देंगे. मतलब जैसे एग्जांपल है किसी जर्म्स का नाम जर्म्स है उनको हम लोग माइक्रोब्स है माइसिन बोल देते हैं, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे इसमें. जैसे एग्जांपल है हमारी ड्रग है नियोमाइसिन. जो स्फिक्स होते हैं वो हम ड्रग के जो नाम है उसके पीछे यूज करते हैं. अगर हमारे पास कोई ड्रग प्रेजेंट है उसके नाम के पीछे यूज करेंगे. प्रीफिक्स होते हैं वो हम लोग आगे यूज करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं प्रीफिक्स. इसमें जैसे माइसिन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस. ये जो हमारी ड्रग है जो हमारे पास जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन्ड होती है उनका हम लोगों ने जो स्पीक्स है जो नाम देना है वो हम उसको जो है माइसिन है उसमें से वो उसके पीछे लगा देंगे, स्पीक्स लगा देंगे जिसका उसका नाम बन जाएगा नियोमाइसिन. सेकेंड है फिर सेकंड में स्फिक्स हम लोग यूज करेंगे. इसमें क्या है मिसिंग जो मिसिंग है वो है हमारे पास जो एंटीबायोटिक को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं. ये ड्राइव कौन से होते हैं मिसिंग माइक्रो मोनोस्पोरो जो सैप है जो हमारे ड्रग्स है स्पीसीज है उनसे ही ऑब्टेन होते हैं माइक्रो मोनोस्पोरो. ये हमारे स्पीसीज का नाम है इससे ऑब्टेन होते हैं. Thank you.
जो बीटा लैक्टम लिंक है ये हमारे पास है ही, इसे इससे हम डिस्क्राइब करते हैं या फिर हम इसको जो शॉर्ट फॉर्म में वो भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है हर एक में, यहाँ पे अल्फा पोजीशन है इसकी, बीटा पोजीशन है, इसलिए हम लोग इसको जो वो बोल देते हैं बीटा लैक्टम। जो कहते हैं जो बीटा लैक्टम रिंग है वो हम लोग इसमें जो कंटेंट्स होते हैं बीटा लैक्टम रिंग है इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है एक पास एक साइड सॉरी इसमें क्या है नाइट्रोजन अटैच है एंड दूसरी साइड इसमें जो कार्बन और कार्बन से रिलेटिव जो कंपाउंड्स है कंबाइनिंग है जो कंपाउंड्स है कार्बोनिल रिंग वो प्रेजेंट है इसके साथ, इसलिए हम इसको जो है वो बोल देते हैं बीटा लैक्टम और ये पोजीशन बीटा और अल्फा इसमें शो की गई है। इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग है वो अगर हाईली सस्टेन्ड जो बीटा लैक्टम रिंग होगी हमारी तो वो क्या हो जाती है ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन जब हो जाएगी रिंग हमारी तो ब्रेकडाउन किस में हो जाएगी, वो जो ब्रेकडाउन होती है एसिड और जो बेस है एसिड जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मीडियम में ब्रेकडाउन होगी एंड इट इज आल्सो इनएक्टिवेटेड बाय एंजाइम, ये एंजाइम के साथ जो है वो इनएक्टिवेटेड होगी एंड पेनिसिलिनेज एंड सेक्रेटेड बाय वेरियस बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया से जब इनएक्टिवेट हो जाती है ब्रेकडाउन हो जाएगी तो वो सेक्रेट करती है। देन अगर इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, अगर गैस्ट्रिक जो जूस है हमारी बॉडी में उसमें इनएक्टिवेटेड है तो इट शुड बी जो ऑरली अगर हम लोग देते हैं ये ड्रग बीटा लैक्टम तो वो क्या है हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें इनएक्टिवेटेड है, ये मेनली जो है हमारे जो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं वो किसमें हमारे जो ज़्यादा काम करते हैं पेरेंटरल इंजेक्शंस के रूप में, जैसे हम लोग को देखते हैं जो पेंसिलिन है पेंसिलिन के भी क्या इंजेक्शंस लगते हैं मेनली जो इंजेक्शंस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, किसी को अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिसकी बॉडी में हो तो उसमें पेंसिलिन क्रिएट होते हैं और इंजेक्शन लगते हैं पेंसिलिन के, इसलिए हमें ज़्यादा पेरेंटरली रूट से इफेक्टिव करते हैं ऑरली रूट से ये इनएक्टिवेट होते हैं। अगर हमें ऑरली रूट से कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देना है तो हमें जो इंजेक्शंस के रूप में 5 times ज़्यादा हमें वो डोज देनी पड़ती है पेशेंट को। नेक्स्ट है अब ये इसमें सोडियम और पोटाशियम जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर सोल्युबल होते हैं, अब वाटर सोल्युबल होने के कारण जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं हम उनको प्रेफर करते हैं पोटाशियम सॉल्ट वो भी पेरेंटरली कि वो पेरेंटरली पोटाशियम सॉल्ट यूज करें। नेक्स्ट है एलिमिनेटर रैपिडली एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे बॉडी में से, इसलिए हम लोग इनको इंजेक्शंस के फॉर्म में ही जो पेशेंट है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में